मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सुरखाब सेखों विच। अज आप बनावांगे बहुत ही हैल्दी परांठे। ये आप बची हुई दाल तो तैयार करांगे। कई बार अपने कोल दाल बच जाती है तो आप उसनू वेस्ट कर देने हाँ, पर आप इस दे बहुत ही वधिया परौंठे तैयार करांगे। चलो आप परौंठे बनाना शुरू करते हाँ। तो पहला परात दे विच आप आटा पावांगे। तुसी आटा अपनी मर्जी के नाल वध घट कर सकते हो। मैं इत्थे दो कौलियां आटा लईआं हन। हुण इस दे विच आपां थोड़ा ग्रेट कीता अदरक पावांगे ते एक प्याज ग्रेट करके पा लवांगे। तुसी ये चीज़ां बरीक कट के भी पा सकते हो। इस नूं होर हैल्दी बनाउण दे लई इस दे विच मैं पनीर दा यूज़ कीता है। पनीर भी मैं ग्रेट करके पाया है। इस दे नाल बहुत ही हैल्दी परौंठा बन के तैयार होवेगा। हुण इस दे विच अद्धा चम्मच मैं जीरा पावांगी, अद्धा चम्मच आपां लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच इस दे विच आपां नमक पावांगे, अद्धा चम्मच आप गरम मसाला, ते तीन तो चार चम्मच आप घिओ दे पावांगे। इस नूं चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। ये आटा आप हत्थां दे नाल मसल के चंगी तरह मिक्स करांगे तां कि घिओ ते सारा जिहड़ा बैटर है ये अपना रल जावे। हुण आपां दाल लै ली है। ये मां छोलियां दी दाल है ते इस दे नाल ही आपां आटा गुन्नांगे। इत्थे मैं पानी दा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करांगी। आपां दाल दे नाल ही सारा आटा गुन लवांगे। अपनियां दालां दे विच भी बहुत ज़्यादा मात्रा विच प्रोटीन हुंदा है ते आपां पनीर यूज़ कीता है उस दे विच भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन हुंदा है। इस तरह ये अपना एक हैल्दी परौंठा बन के तैयार होवेगा। ते तुसीं इस परौंठे नूं बच्चियां नूं लंच बॉक्स दे विच भी दे सकदे हो। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाणगे। हुण आपां अपना बहुत ही सॉफ्ट जिहा आटा गुन के तैयार कर लिया है। इस दे उत्ते हुण देसी घिओ थोड़ा जिहा लगा देवांगे तां कि आटा अपना बहुत वधिया सैट हो जावे। तो तीन तो चार मिनट लई आपां कवर करके आटा रख लिया है। हुण देखो अपना आटा किन्ना वधिया बन के तैयार हो चुका है। हुण आपां इस दे परौंठे बनाउणे शुरू करदे हाँ। मैं एक पीड़ा लै लिया है। पीड़ा तुसीं अपने हिसाब नाल लै सकदे हो। हुण इस ते थोड़ा जिहा सुक्का आटा लगा के इस नूं चुंड के आपां इस दी रोटी वेलांगे। रोटी वेलन तो मगरों इस दे उत्ते आपां देसी घिओ अपलाई करांगे। देसी घिओ दे नाल परौंठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तुसीं इत्थे रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपां फोल्ड करदे हुए देसी घिओ लगा के इस नूं चंगी तरह सैट कर लवांगे। परौंठा तुसीं किसी भी शेप दे विच तैयार कर सकते हो। हुण आपां इस नूं थोड़ा जिहा चुंड लिया है ते थोड़ा जिहा आपां इस ते सुक्का आटा लगा के परौंठे नूं वेल लवांगे। हुण गैस दे उपर तवा रख्या है। तवा गर्म हो चुका है ते परौंठे ही आपां उस दे उपर पा देवांगे। परौंठा थोड़ा पक्कन ते इस नूं आपां पलट के इस ते देसी घिओ अपलाई करांगे। इस तरह इस नूं दोनों साइडां ते आपां चंगी तरह देसी घिओ अपलाई करांगे ते आपां इस नूं मीडियम सेक दे उत्ते चंगी तरह पकावांगे। मीडियम सेक दे उत्ते परौंठा बहुत ही वधिया खस्ता बन के तैयार होवेगा। तुसीं जरूर इस नूं ट्राई करियो। ये बहुत ही वधिया परौंठा बन के तैयार हुंदा है ते सारयां नूं बहुत पसंद आउंदा है। जेकर तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगी तां प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक जरूर करियो ते नाले शेयर भी करियो। ते जेकर तुसीं मेरे चैनल ते पहली बार आए हो तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो ते नाल दे बैल आइकन बटन नूं जरूर प्रेस करियो तां कि आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं सब तों पहलां मिल सके। इस तरह आपां सारे परौंठे बना के तैयार कर लए हन। ये देखो अपने परौंठे किन्ने वधिया बन के तैयार होए हन। हुण इस दे उत्ते मैं मक्खन रख देवांगी क्योंकि मेरे घर दे विच मक्खन दे नाल परौंठे खाना सब नूं बहुत पसंद है। ये देखो किन्ने वधिया सॉफ्ट परौंठे बन के तैयार होए हन। तुसी इन्हां परौंठिआं नूं दही नाल चाह नाल किसी भी चीज़ दे नाल इंजॉय कर सकते हो। हुण आपां मिलदे हां अपनी नैक्सट वीडियो दे विच। हसदे रहो, वसदे रहो, खुश रहो। धन्नवाद।